बाहर से। ओवर रिएक्ट मत करो, वो तुम्हारे जैसे चीप नहीं है। मैं अभी इज अ जेंटलमैन, इस बात की गारंटी दे सकती हूँ। अभी अभी जीपीएस ऑन कर, अभी मिल जाएगा। अभी जेंटलमैन, ओ जेंटलमैन बापू, अभी डार्लिंग, डार्लिंग जेंटलमैन, ओ डार्लिंग जेंटलमैन, जानू तुम कहाँ हो? जानू डार्लिंग जेंटलमैन, क्या चो? हेलो जेंटलमैन, गाड़ी के अंदर सुल्तान के भेज में, ओह कुश्ती कर रहा है। सीता मेरी बात सुनो, आई कैन एक्सप्लेन दिस, जैसे तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है। सीता समझने के लिए रखा ही क्या है? तो ये था तुम्हारा प्यार, अभी तुमने मुझे धोखा दिया। पता है तुम्हारे लिए मैंने अपने घर वालों के विश्वास को तोड़ा। मैं शादी के एक दिन पहले सात समुद्र पार करके तुमसे मिलने आई। तुम बहुत ही घटिया और बक्कार इंसान हो। अगर मुझसे प्यार नहीं तो शादी किस लिए? तुमसे शादी करना मजबूरी है। अगर तुमसे शादी नहीं की तो मेरे कंजर्वेटिव पेरेंट्स मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे। सच बताओ, मेरे पेरेंट्स को तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल फेसबुक पे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने 6 महीने तक तुम्हें उल्लू बनाया, वरना बहुत गर्लफ्रेंड्स है मेरे पास। बेबी आर यू ओके? हाँ ओके ओके, वो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है, हमारी एंगेजमेंट की वजह से थोड़ी इमोशनल हो गई, मैं तो बस उसे कंसोल कर रहा था। मतलब तू इनोसेंट इंडियन लड़की का फायदा उठाना चाहता था? ए एक्सपर्ट कमेंट देना बंद कर। और वैसे इसके लिए तुझे इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? ना तेरे लिए हमदर्दी है, ना इसके लिए हमदर्दी है, पैसों के लिए हमदर्दी है। ये ले और तुम मेरे साथ चलो। यही सोच रहा था कि तुम जैसे बैकवर्ड इंडियन से मिलू या नहीं। 5-star होटल में खा के बहुत बोर हो गया था, इसलिए आज सोच रहा हूँ कि घर की मुर्गी की तंगड़ी कबाब खाऊं। ए वेटर, अंदर कैसे आया? कैसे आया? ऐसे चल के आया। क्या बात है, मुझसे लड़ेगा? अरे ये आइडिया भी बहुत अच्छा है, मैंने तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था। अब पटेल का भी एक आइडिया सुन, फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस क्लेम करने बोल दे। कब तक रोएगी? चल जाते हैं। ऐसे कैसे जाएगा? इतनी खूबसूरत लड़की की इज्जत की कीमत क्या लगानी चाहिए? पटेल इज ऑलवेज ऑन सेल, पर उसके उसूल नहीं।